ऑलराइट गाइस, टाइम हुआ है 6:30 बजे का। थोड़ा बहुत रिलैक्स कर लिया हॉस्टल में आने के बाद। अब मैं जा रहा हूँ जाफा एरिया में। यहाँ से फिगर आउट करना पड़ेगा कि बस कैसे लेनी है। बस की तो मेरे पास टिकट है ही। आई नो इसराइल वाले व्लॉग की क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं है जितनी बाकी व्लॉग्स की है। उसके पीछे दो मेन कारण है। पहला कारण तो ये कि ये 2019 यानी 2019 में मैंने रिकॉर्ड की थी, और मैंने रिकॉर्ड की थी अपने पुराने गोप्रो से। और दूसरा मेन रीज़न क्या है कि तब मेरे को व्लॉगिंग इतनी बढ़िया आती भी नहीं थी। सो दैट इज़ द रीज़न ये इतने टाइम मैंने नहीं डाला। तो साक्षी ने ज़बरदस्ती ये व्लॉग डलवाया ये बोल के कि माना कि क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि इतनी मेहनत करी आपने। सो गाइज, अगर आप अप्रिशिएट करते हो तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन। और अब चलते हैं वापस टेल अवीव इज़राइल। दिन में आया था तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। शाम को 6 बजे बहुत सुहावना मौसम हो गया। थोड़ी देर में हो सकता है कि हल्की फुल्की कुछ स्वेटर पहनने का मन करे। तो बस के टाइम से 4-5 मिनट में पहले आ गया था और 5 मिनट ऊपर हो गए हैं। बस अभी तक आई नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5-6 मिनट पहले चली गई हो। तो डेफिनेटली 5-6 मिनट लेट चल रही है। और ऐसे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि बस का तो पता नहीं चला यार क्या हुआ था। 10-15 मिनट मैंने वहाँ पे ऐसे ही वेस्ट कर दिए। अब दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं टैक्सी बुलाऊँ या फिर जो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो ले लूँ और फिर उसी बहाने इसराइल टेल अवीव थोड़ा एक्सप्लोर हो जाएगा। लेट्स सी, ये रहा इलेक्ट्रिक स्कूटर, और बेस्ट यही रहेगा कि मैं इसको चला लूँ। ओके जी, अनलॉक हो गई है। अब चलें जी अपने रास्ते। तो इस सड़क पे आगे जाना है, पहले पे राइट, आगे जाके फिर अगले पे जाके लेफ्ट। पहुंच चुका हूँ जाफा एरिया में। मैंने ये अपनी स्कूटर रख दी है। इट वाज अ लॉट ऑफ फन राइडिंग इट। यहाँ पे हैं सारे रेस्टोरेंट्स, बीचेस, बेसिकली ये सबसे पुराना एरिया है टेल अवीव का जहाँ मैं आगे पहुँच गया हूँ। एक क्लॉक टावर है फेमस। बिफोर वी एक्सप्लोर दिस क्लॉक टावर, लेट्स गो टू द बीच, क्योंकि हल्की फुल्की रोशनी अभी बची हुई है। सनसेट तो नहीं दिखेगा मेरे ख्याल से, बट थोड़ी बहुत रोशनी है। लेट्स गो देयर। वाओ यार, ये एरिया तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इतनी प्यारी हवा चल रही है, समंदर के किनारे लहरें आ रही हैं इतनी प्यारी। सामने रेस्टोरेंट है, लोग रनिंग कर रहे हैं, बाइक्स चला रहे हैं, बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर है। और कई जगह पे लोग
परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, म्यूज़िक बजा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे लग रहा है ऐसे कागज की नाव बना के लगा रखी हो सारी। मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या है, बट ये बिल्डिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही हैं। ये रास्ता पुराना सा, जो पुरानी सिटी थी जफा, ये वो है। ये पुराने ज़माने की गलियाँ, सड़कें, ऐसे बड़े बड़े पत्थरों की। होपफुली ये सेफ हो जगह। आई हैव नो आइडिया कि सेफ है अनसेफ है क्या है, वो भी रात को चले जा रहा हूँ मैं। आई थिंक दिन में आना चाहिए यहाँ पे। पर ठीक है, अब यहाँ तक आ गया हूँ तो देखते हैं ऊपर तक कहाँ जाते हैं ये। हो गए, कहीं तो ऊपर पहुंच गया। ओके, ये पहुंचा हूँ मैं जो जाफा, जो एक्चुअल पुराना जो एरिया है। सो ये है जाफा एरिया, यहाँ लोकली इसको याफा बोलते हैं। काफ़ी अच्छा एरिया है, बहुत पुराना, एकदम आप पुराने ज़माने में पहुंच जाओगे। रेस्टोरेंट्स हैं, आर्ट स्टूडियो टाइप हैं, बाहर लोग अपना ये तंबू लगा के कुछ सामान बेच रहे हैं, ज्वेलरी बेच रहे हैं। अगर आप रेस्टोरेंट के बाहर से आ रहे हो तो लोगों ने आवाज़ें मार मार के आपको अंदर बुलाना शुरू कर दिया है, मेन्यू लेके आ रहे हैं आपके पास। क्योंकि अब मिडिल ईस्ट में है तो यहाँ पे आपको हुक्का और शीशा ये सब दिखेगा यहाँ पे। ऑलराइट, घूमते घुमाते वापस उसी क्लॉक टावर पे पहुँच गया हूँ मैं। कोई अच्छी सी जगह ढूँढ रहा हूँ डिनर के लिए। फर्स्ट इम्प्रेशन तो ये है कि इसराइल इज़ एक्सपेंसिव, यानी फलाफल अगर टोरंटो में मैं खाऊं तो $6 का आता है, यहाँ $12 का है, सो इट्स एक्सपेंसिव। सो इसी क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने ये है द किंग ऑफ शॉर्मा, यही ट्राई करते हैं यार। तो मैंने लिया है शॉर्मा वाला पीता। पीता जो है ना एक तरह का ब्रेड है, यानी मान के चलो जैसे रोटी होती है, बट काफी मोटी होती है और बीच में से ना कट करके आधी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, और उसके अंदर भर देते हैं सैलेड और शॉर्मा, चिकन शॉर्मा साथ में उसमें डाल देते हैं हुमस। हुमस बेसिकली क्या होता है, जो चिकपीज होते हैं ना, यानी सफ़ेद वाले जो छोले होते हैं, उससे बनती है एक तरह की सॉस लगा लो या चटनी लगा लो एक तरह की। टेस्ट काफ़ी बढ़िया है इसमें, हुमस और वो जो गार्लिक वाले पेस्ट होते हैं उसकी वजह से एकदम ना जूसी टेस्ट रहता है, बाइट लेते ही पूरा मुँह के अंदर ऐसे। और रात के 9 बज गए हैं, बहुत ज़्यादा देर तो मैंने यहाँ नहीं बिताई क्योंकि मैं आया ही थोड़ा लेट था, बट काफ़ी थक चुका हूँ। 18 घंटे की फ़्लाइट थी मेरी सिंगापुर से इसराइल की, बीच में एक ही घंटे का मेरा स्टॉप था। अभी मैं सिंगापुर टाइम जोन में, मेरी बॉडी चल रही है, रात के 2 बज चुके हैं और नींद आनी मेरे को ज़बरदस्त शुरू हो गई है। यहाँ से आधे घंटे का रास्ता भी है मेरे हॉस्टल का। सो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से हॉस्टल के लिए, देखता हूँ सुबह जब नींद खुलेगी थोड़ा सा फिर टेल अवीव घूमेंगे, और उसके बाद कल मैं चला जाऊँगा जेरूसलम। और मेन ये जो ट्रिप था ये जेरूसलम का, ये जेरूसलम एक हिस्टोरिकल सिटी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड है।
तो इस वीडियो में इतना ही, कल मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।